जब किसानों की लड़ाई लड़ने वाले दुल्ला भट्टी को फांसी तोड़ी जा रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि पंजाब का हौसलेवान नौजवान अपनी मिट्टी का सौदा नहीं करेगा। आज हमारे साथ एक ऐसे ही साथी जुड़े हैं जिन्होंने आज जब किसानों के ऊपर वाटर कैनन पुलिस चला रही थी तो वो वाटर कैनन के ऊपर चढ़े और उन्होंने उस वाटर कैनन को बंद किया और उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली में छलांग लगा दी। इनकी छलांग आज इतनी ज़्यादा मशहूर हुई है कि इनकी छलांग को पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्यार मिला है और इनको वही उसी हौसले वाले नौजवान के रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ हैं नवदीप। नवदीप, सबसे पहले तो ये लोग ये जानना चाह रहे हैं कि नवदीप कौन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का राम राम जी सारे भाई। नवदीप भाई एक किसान का लड़का है, अम्बाला शहर के गाँव जलवेड़ा का रहने वाला है और अपना किसान संघर्ष में पिछले 4 महीने से जब से संघर्ष चल रहा है तब से जुड़े हुए हैं और भाई दिल्ली जाने के लिए भी कुछ का प्रोग्राम है जो अभी यहाँ पे करनाल में खड़े हैं तो आगे मतलब जितना भी टाइम लगे दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे आने वाले टाइम में। तो नवदीप को ये ताकत कहाँ से मिलती है? ताकत मिलती है अपने भाइयों से, भाइयों के हौसले से मिलती है। सारे इकट्ठे हैं, सारा मेरा इलाका आया हुआ है, 250-300 गाँव पड़ते हैं, सब जगह से किसान आए हुए हैं। यूथ किसान बहुत ज़्यादा है अपने, जो युवा भाई हैं सारे के सारे, अपने घर से हौसला मिलता है, अपने माँ बाप से हौसला मिलता है, तो ऐसे ही हौसले के साथ चल रहे हैं सबके साथ। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नवदीप का जो सफ़र है किसान यूनियन का वो कैसे शुरू हुआ, कैसे नवदीप इस किसान यूनियन में आए और उन्होंने फैसला लिया कि उसे दिल्ली जाना चाहिए। किसान यूनियन में तो जी पापा हैं 3 साल से पहले ही, पापा जुड़े थे ओड़ा ग्रिश्ती के अंदर और अपनी साइड आग लगी थी खेतों के अंदर तो उसके अंदर जुड़े थे तो उन्होंने 3 महीने डीसी दफ्तर के सामने सब किसानों ने धरना दिया था 3 महीने तो 70 करोड़ रुपए की पेमेंट दिलवाई थी अपने किसान भाइयों को, सब ने रल मिल के ली थी 70 करोड़ रुपए की पेमेंट सारे अम्बाड़ा जिनका नुकसान हुआ था। सिर्फ एक अम्बाड़ा ही इकलौता शहर था जिसने बीमे के पैसे धरना देकर लिए थे तो वहाँ से पापा और की टीम जुड़ी थी किसानियों के साथ 3 साल पहले। तो अभी जब ये कानून आए थे नए तो 20 जुलाई को ट्रैक्टर रैली थी तो पापा ने बोला ट्रैक्टर लेके जाने हैं सब भी आप उसको फोन करो, तो हम 4 ट्रैक्टर लेके गए थे तो वहाँ पे बस फिर उसके बाद अपना पिपली रैली का प्रोग्राम बना, फिर हमने गांव-गांव जाके प्रचार किया, बहुत संख्या में तब भी अम्बाड़ा से किसान आए थे तो उसमें ही हम इसमें जुट गए थे, उसके बाद अभी पीछे मुड़ गए थे प्रचार। अच्छा नवदीप जिस हौसले के साथ आगे बढ़ रहा है क्या आपको लग रहा है कि स्टेट है जो स्टेट मशीनरी है वो आपको दिल्ली तक जाने देगी? देखो जी पहले भी रोके हैं, मैंने 2 जगह बैरिकेडिंग करी हुई थी, पत्थर लगाए हुए थे, अपने पास हैं टोचन है, पूरा सामान लेके आए हुए हैं साथ में, कोशिश करेंगे पूरी तोड़ेंगे जी, जहाँ तक लड़ सके वहाँ लड़ेंगे। जो अध्यक्ष करनाम सिंह चढ़ूनी जी जो अपने प्रधान हैं भारतीय किसान यूनियन के, जो अध्यक्ष देंगे उस देश में चलेंगे, जितने बैरिकेड वो बोलेंगे उतने तोड़ेंगे, जैसा उनका देश होगा उनका देश की पालना करेंगे। अच्छा एक बात और, क्या इन सब के बीच जब से नवदीप किसान यूनियन में एक्टिव हुआ है कभी स्टेट ने उसके ऊपर पर्चा दिया हो या कभी गिरफ्तारियाँ हो या कभी पुलिस ने आके आपको तंग किया हो? पर्चे तो हो रखे हैं जी झूठे, हाँ 2-307 के मुकदमे उन्होंने, जब हम पिपली में आए थे रैली करने के लिए तो वहाँ पे जो बैरिकेडिंग वगैरह साइड करी उसके नाम के इन्होंने मारे ऊपर, हमने किसी को चोट नहीं मारी, डंडे भी हमने ही खाए थे वहाँ पे, हमारे भाइयों ने खाए थे अम्बाड़ा के, सिर भी पटा था अम्बाड़े के एक भाई का, महिला के गाँव का। तो भाई इन्होंने छुट्टे पर्चे अपने ऊपर दे रखे हैं 307 के, 2 मेरे ऊपर, 2 पापा के ऊपर, 2 छोटे भाई के ऊपर हैं 307 के, 2 चाचा जी के ऊपर, 4 बंदों में तो एक परिवार के ऊपर ही है। उसके बाद इन्होंने और भी बंदे हैं जो 41 बंदे हैं जिनको 307 के पर्चे थे। तो उसके बाद जब ये समर्थन में रैलियाँ निकालने लगी थी बीजेपी सरकार तो हमने नायब सैनी और उसको जो हमारे सांसद हैं रतन लाल कटारिया जी को रोकया था, तो उसमें इनके ट्रैक्टर पर ही, बीजेपी के ट्रैक्टर पर ही एक किसान की जो उनके साथ आए हुए थे तो उनका प्रधान प्रधुन थे कोई बीजेपी के, तो उनकी मृत्यु हो गई ट्रैक्टर के ऊपर हार्ट अटैक से, उनके भी उन्होंने भी यहाँ पत्थरों से मारा है जी। तो झूठे मुकदमे 302 के पापा और पे डाल रखे हैं, गिरफ्तारी नहीं जी अब तक किसी की भी हुई, ना होने दी इलाका वासियों ने, पूरे साथ देते हैं, बोलते हैं कि हाँ अगर ये गिरफ्तार होंगे तो हम भी साथ में गिरफ्तार होंगे। पुलिस बिल्कुल आती है, 250-250 पुलिस भी घर में आए हैं एक बार में उठाने के लिए, ठीक है, पर CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं घर पे, अभी 23 और 24 तारीख को भी पुलिस उठाने के लिए आई थी, कल भी उन्होंने रास्ते में जब हम आ रहे थे गांव से निकले पुलिस आ गई थी, उन्होंने कपड़े कपड़े पाड़े पकड़ने की कोशिश करी पर हम निकल गए, कल वहाँ से तंग करती है जी पुलिस, बहुत ज़्यादा तंग करती है।
जो अभी आप देख रहे थे सोना सुनखा तगड़ा नौजवान नवदीप, ये वही नवदीप है जिसने आज कमाल कर दिया है, जिसकी वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे भारत में हो रही है, पूरे हरियाणा पंजाब में हो रही है। ये हरियाणा पंजाब के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के किसान पुत्रों के लिए सुपरस्टार बनकर उभरे हैं। ऐसी आगे ऐसी ही अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा पेज।